अब बच्चों की छुट्टियां क्या हुई, मैं तो परेशान हो गई, क्योंकि भैया हर दिन जो है बच्चे घर में रहते हैं और सुबह से लेकर रात तक इनकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। तो कोई भी सब्जी बाजार से ले आओ, देखती बच्चे आढ़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है क्या, कमेंट करके बताना। तो मुझे बनाना था लंच, तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या बनाऊं, क्लियरली मना कर दिया, कुछ मत बनाओ कुछ मत बनाओ। मैंने कहा तो क्या खाओगे लंच में, दही चावल बना दो, स्टीम्ड राइस बना दो, घी चावल खा लेंगे लेकिन सब्जी नहीं खाएंगे। मैंने कहा भाई मैं इतनी सब्जी खरीद के जो लाई हूँ उनका क्या करेंगे फिर। तो वही बस बच्चों की और मेरी थोड़ी सी बहस चल रही थी। तो चलिए फिर बनाती हूँ फटाफट से एक ऐसी रेसिपी जो जिसे बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, गारंटेड। इतनी स्वाद बनी है ये कि बच्चों ने इसे रूखा ही खा लिया, इसके साथ रोटी सब्जी की जरूरत है, मतलब रोटी और चावल की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने गैस के ऊपर चढ़ाया एक पैन, इसमें डाला मैंने थोड़ा सा तेल, जो भी तेल आप खाते हैं डाल सकते हैं, मैंने मूंगफली का तेल डाला, इससे स्वाद अच्छा आता है। कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा जीरा, सौंफ, हरी मिर्ची, थोड़े से काजू डाले हैं, भून लेंगे लो फ्लेम पे लाल होने तक, काजू का रंग बदलना चाहिए तब तक भूने। उबले हुए आलू थे मेरे पास, तीन छोटे छोटे आलू थे, तीनों को मैंने हाथों से मैश करके इसमें डाला। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, रेगुलर नमक डालकर, और गरम मसाला, हाँ जी गरम मसाला बढ़िया फ्लेवर वाला ऐड कीजिएगा, मेरा होममेड गरम मसाला है वो मैंने इसमें डाला, अच्छे से मिलाया और 2 मिनट इसे भून लिया मसालों के साथ। फिर गैस की फ्लेम मैंने कर दी बंद और इसमें डाला कसूरी मेथी, ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा पनीर भी था मेरे पास, तो पनीर मैंने डाल दिया है कद्दूकस करके। मेरे बच्चे पनीर बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन आप इस तरीके से बच्चों को पनीर खिला सकते हैं, प्रोटीन रिच रेसिपी ये बन जाएगी। जैसे मेरी बेटियां हैं जिम जाती हैं दोनों, तो उन्हें प्रोटीन रिच रेसिपीज चाहिए लेकिन वो पनीर खाती ही नहीं है, तो मैं इस तरीके से फिर उन्हें बनाकर देती हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें पनीर है। तो बस पनीर डाल के मैंने 1 मिनट भूना और गैस की फ्लेम कर दी बंद, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया। अब मैं लेकर आई थी शिमला मिर्ची, थोड़ी छोटी छोटी सी। अब देखिए अक्सर लोग भरवा शिमला मिर्ची बनाते हैं, लेकिन अगर आप एक एक शिमला मिर्ची को भर के बनाएंगे ना, तो इसे खा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस मुझे पर्सनली ऐसा ना स्वाद नहीं लगती, मजा नहीं आता। तो क्या करेंगे, शिमला मिर्ची को पहले खाली कर लेंगे और इस तरीके से ना स्टफ कर लेंगे इस मसाले के साथ। तो एक शिमला मिर्ची थोड़ी सी खराब थी, मैंने उसको ऊपर नीचे का हिस्सा काट के सेंटर में से भर दिया, सेंटर पार्ट में देखिए ऐसे। तो अभी क्या करेंगे, जो शिमला मिर्ची थी ना इनको दबा दबा के भर लेंगे और थोड़े बड़े बड़े राउंडल्स इनके कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए छोटे साइज की शिमला मिर्ची थी, तो एक में से दो ही मैंने कट किया और बिल्कुल 1 चम्मच तेल मैंने पैन में डाला है, नाम मात्र के तेल है। इस तेल में हम मध्यम आंच पर इन शिमला मिर्ची को रख देंगे और मध्यम आंच पर आपको इन्हें सेकना है। जो भुनाई होगी ना यहाँ पर आलू और शिमला मिर्ची की, भाई मैं क्या बताऊँ आपको, टिक्की जैसा स्वाद इसका आएगा। बच्चे ना ऐसे स्टार्टर इसे खा लेंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है ये। आपके घर में अगर गैदरिंग है, मेहमान आ रहे हैं, तो आप इसे ऐसे स्नैक भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मजेदार लगती है। इसके साथ ना आप खट्टी मीठी चटनी सर्व करिएगा, भाई सब मजा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर दोनों तरफ से मैंने इसे सेक लिया है मध्यम आंच पर, और देखिए एकदम लाल लाल सिक गई है। गर्म गर्म बाहर निकाले और इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हाँ जी थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करिएगा, स्वाद 4 गुना हो जाएगा इसका, यकीन मानिए। ये कम पड़ गए थे तो मैंने 5ों के हिसाब से एक एक बनाया था, हम 5 जने घर में, सबके हिसाब से एक एक बनाया था, पर ये इतने स्वादिष्ट बने थे, मेरी बेटी ने तो दही के साथ इसे खाया, इट वॉज टू गुड। तो मैंने यहाँ पर डाला है चाट मसाला इसके ऊपर, गर्मा गर्म सर्व करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना।